हेलो गाइस, मेरा नाम अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस कॉर्नर। मेरे पास है बोट ब्रांड की तरफ से रिसेंटली लॉन्च ट्रू वायरलेस ईयरबड्स टाइप ईयरफोन्स बोट एयरडॉप्स 441, जिनमें कि आपको टच कंट्रोल्स, ब्लूटूथ 5.0, IPX6 वाटर असिस्टेंट सर्टिफिकेशन, साथ में 6 mm के ड्राइवर यूनिट्स मिल जाते हैं। आज इस वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स, बात करेंगे इसके कुछ और फीचर्स की, स्पेसिफिकेशन की, और वीडियो के लास्ट में मिलेगा मेरा ओपिनियन, बिकॉज मैं पिछले कई दिनों से इनको लगातार इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, तो शायद आपको अच्छे से बता पाऊंगा। जिस प्राइस में आपको बोट एयरडॉप्स 441 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स मिलते हैं, आपके लिए वैल्यू फॉर मनी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स रहेंगे या फिर नहीं। आते हैं बोट एयरडॉप्स 441 ट्विन वायरलेस ईयरबड्स। बॉक्स अभी के लिए सील पैक है, तो फटाफट से इसकी सील को कट करते हैं। तो यहां पर आपको दिख जाती है बोट की ब्रांडिंग, साथ में मॉडल नेम, चार्जिंग केस और ईयरबड्स का पिक्चर, और साथ में हंसती हुई नेहा कक्कर, और कुछ की फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस भी दिए हुए हैं बॉक्स के सामने। और साइड में जाएंगे, इधर उधर देखेंगे तो सब तरफ यहाँ पर फीचर्स वगैरह बताए गए हैं, जिन सब की बात आगे वीडियो में करने ही वाले हैं। बॉक्स के पीछे दिए हुए हैं पैकेज कंटेंट्स की डिटेल, इंपोर्टेड मार्केटेड बाय डिटेल्स, कस्टमर केयर डिटेल्स, साथ में यहाँ पर दिया हुआ है मेड इन चाइना, MRP दिया हुआ है 5999, मतलब कि 6000 रुपये, लेकिन बोट एयरडॉप्स 441 आपको मिल जाएंगे करीब करीब 2499 रुपीज़ के रेगुलर प्राइस में। बेस्ट वेलिंग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाई भी कर सकते हैं। अब फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो दो सील हैं, इनको कट करेंगे और कुछ इस तरीके से बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले मिल जाता है चार्जिंग केस बोट की ब्रांडिंग के साथ में, ब्लैक रेड कलर वेरिएंट है मेरे पास। इसके अलावा यहाँ पर चार और डिफरेंट कलर्स में आपको ये मिल जाते हैं। बाकी बॉक्स के अंदर देखेंगे तो कुछ और डॉक्यूमेंटेशन भी मिलता है, जैसे कि ये एक यूज़र मैनुअल, जहाँ पर कि बेसिक सारी डिटेल्स बताए हुए हैं, कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब। साथ में ये एक वारंटी कार्ड, जहाँ पर कि बताया गया है 1 ईयर की वारंटी मिलती है इस प्रोडक्ट की। साथ में यहाँ पर मिल जाता है ये एक प्रोडक्ट कैटलॉग, जहां पर कि डिफरेंट जो ब्रांड एम्बेसडर हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बोट के सभी दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहां मिल जाता है ये एक छोटा सा बॉक्स, जिसके अंदर से मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉफ्ट ईयर टिप्स, येलो कलर में है और स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों ही साइजेस में अवेलेबल है, और एक पेयर ईयरबड्स के ऊपर पहले से ही लगा हुआ मिलता है। बाकी यहां पर मिल जाती है एक टाइप सी USB केबल इस केस को चार्ज करने के लिए। तो अब वापस आ जाते हैं अपने मेन चार्जिंग केस पर। तो यहाँ पर हल्की सी मैट ब्लैक फिनिश दी हुई है केस के ऊपर, साइड में एक नोटिफिकेशन LED भी दी हुई है, थोड़ा सा हिंस दिया हुआ है कैप को ओपन करने के लिए, और इसके नीचे की तरफ दिया हुआ है मॉडल नेम, इनपुट, चार्जिंग की डिटेल, 5 वोल्ट 2 एम्पियर के चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस केस को चार्ज करने के लिए। बाकी यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी है चार्जिंग केस की 500 mAh की, और मेड इन PRC, मतलब कि मेड इन चाइना। थोड़ा सा और घुमाएंगे तो पीछे की तरफ दिया हुआ है एक टाइप सी USB पोर्ट केस को चार्ज करने के लिए। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केस को ओपन करेंगे तो जो मेन ईयरबड्स हैं कुछ इस तरीके से रखे हुए मिलते हैं। तो कैप जो है ऊपर की तरफ अटकता नहीं है, जब भी आपको ईयरबड्स निकालने हैं तो कैप को पकड़ कर रखना पड़ेगा, तो शुरुआत में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है। बाकी अच्छी बात यह है, कहीं भी भीड़ भाड़ में निकालना है तो मैग्नेट भी दिया हुआ है केस के अंदर, तो ईयरबड्स गिरने का डर नहीं है। जैसे ही बाहर निकालेंगे तो अंदर की तरफ येलो कलर का कंपार्टमेंट दिखता है, और गोल्ड प्लेटेड चार्जिंग पॉइंट, लेफ्ट राइट के सिम्बल्स भी दिए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है, 48 ग्राम के अप्रॉक्स इसका वेट है। साथ में बैटरी भी है केस के अंदर, जिसके ज़रिए आप ईयरबड्स को चलते फिरते कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। बाकी ईयरबड्स आते हैं इंटेलिजेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी के साथ में, जैसे ही कैप को ओपन करते हैं डायरेक्टली डिस्कवरेबल मोड में ऑन हो जाते हैं। ब्लूटूथ का वर्जन है 5.0, तो किसी भी एंड्रॉयड, iOS स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कनेक्ट होते ही बैटरी परसेंटेज भी आपके फ़ोन या फिर लैपटॉप में दिख जाएगा, अगर आपका OS सपोर्ट करता है। बाकी यहाँ पर आपको एक बार कनेक्ट करने के बाद वापस से कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही कैप को ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली और काफ़ी क्विकली कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्शन वगैरह की कोई भी दिक्कत है नहीं, और अप टू 10 मीटर्स तक बड़े आराम से डिवाइस के साथ में कनेक्ट रहते हैं अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। नेक्स्ट बात करें ईयरबड्स के बारे में, तो ये भी आपको ब्लैक और येलो के कॉम्बिनेशन में मिलते हैं चार्जिंग केस की ही तरह। पोर्ट का लोगो दोनों ही ईयरबड्स पर दिया हुआ है, साथ में एक ग्लोइंग LED नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है जो कि RGB कलर्स में है। अंदर की तरफ गोल्ड प्लेटेड चार्जिंग पॉइंट, लेफ्ट राइट के सिंबल्स, साथ में दोनों ही ईयरबड्स पर सेपरेट माइक दिया हुआ है, तो सिंगल ईयरबड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉल्स वगैरह के लिए। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अर्गोनॉमिकली डिजाइंड है, अंदर की तरफ भी थोड़ा अलग सा डिज़ाइन दिया हुआ है, थोड़े से टिल्टेड भी हैं, और इसके अलावा जो ईयर टिप्स हैं ये भी इंटरचेंजेबल हैं, आप अपने कान के शेप के साइज़ के हिसाब से जो भी ईयर टिप फिट आता है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में रबर का एक क्लिप जैसा भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से कानों में काफ़ी अच्छे से फिट हो जाते हैं।
हैं, साथ में लाइट वेट भी हैं तो कंफर्टेबल रहते हैं, 2-3 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में थोड़ी बहुत देर के निकालना पड़ सकता है। वर्कआउट वगैरह के दौरान इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कानों से जल्दी से निकलते नहीं हैं। साथ में यहाँ पर IPX6 वाटर असिस्टेंट सर्टिफिकेशन भी है, तो पानी वानी स्वेट वगैरह से भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और साथ में आप देख पा रहे होंगे कोई भी बटन नहीं है यहाँ पर, बिकॉज कैपेसिटिव टच कंट्रोल्स मिलते हैं ईयरबड्स के ऊपर जो कि काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हैं। थोड़े से लिमिटेड फीचर्स हैं, जैसे कि प्ले पॉज कर सकते हैं सिंगल बार टैप करके, 2 बार टैप करके नेक्स्ट कर सकते हैं राइट ईयरबड को, 2 बार टैप करके आप प्रीवियस कर सकते हैं लेफ्ट ईयरबड को, प्रेस एंड होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए किसी भी ईयरबड को तो वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कॉल पिक कर सकते हैं, प्रेस एंड होल्ड करके रिजेक्ट कर सकते हैं और सिंगल टैप करके डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। टच कंट्रोल्स के जरिए वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, और मैं बोलूँगा अच्छी बात है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कब कितनी बार क्या टैप करना है। बाकी अगर आप चाहें तो सिंगल ईयरबड को ऑफ भी कर सकते हैं प्रेस एंड होल्ड करके 5 सेकंड के लिए, या फिर केस में रख देंगे, अगर एक को इस्तेमाल करना है तो एक निकाल कर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें चार्जिंग और बैटरी बैकअप के बारे में, तो दोनों ही ईयरबड्स को सही तरीके से अलाइन करके केस में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रीन LED दिखाई देगी ईयरबड्स के ऊपर जब ईयरबड्स चार्ज हो रहे होंगे, फुल चार्ज होने पर LED ब्लू हो जाएगी, और फुल चार्ज होने पर ईयरबड्स की चार्जिंग ऑटो ऑफ हो जाती है। 35mAh की बैटरी मिलती है ईयरबड्स के अंदर, जिसको कि इस केस के जरिए करीब 4 बार फुल चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज 500mAh की बैटरी मिलती है इस केस के अंदर, और इस केस को चार्ज करने के लिए आपको 5V 2A के चार्जर का इस्तेमाल करना है, जिसके जरिए 1.5 आवर मतलब कि 1.5 घंटे में इस चार्जिंग केस को फुल चार्ज कर पाएंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंट्रू वायरलेस ईयरबड्स के जरिए मिल जाएगा इस केस के साथ में करीब 12-13 घंटे का प्ले टाइम, जो कि मैं बोलूंगा डिसेंट है। नेक्स्ट बात करें इंट्रू वायरलेस ईयरबड्स के साउंड आउटपुट के बारे में, तो ईयरबड्स के अंदर मिलते हैं 6mm के डायनेमिक ड्राइवर यूनिट्स, और इनके जरिए किस तरह का साउंड आउटपुट मिलता है इसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लीजिएगा इंट्रू वायरलेस ईयरबड्स के जरिए मिलने वाले साउंड आउटपुट को, बाकी बात करते हैं थोड़ी देर बाद। और फाइनली मैं बात करूं इंट्रू वायरलेस ईयरबड्स के थ्रू मिलने वाले साउंड आउटपुट के बारे में अपने ओपिनियन की, तो अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या फिर ट्रेलर देख रहे हैं, तो वहां पर आपको जो अलग अलग तरह के वोकल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड सुनने को मिलते हैं काफ़ी अच्छे से सुनने को मिल जाते हैं इन ईयरफोन्स के जरिए, अप टू 100% वॉल्यूम, कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह सुनने को नहीं मिलता है। साथ में हाई लो फ्रिक्वेंसी के जितने भी साउंड्स हैं सभी में आपको साउंड सेपरेशन काफ़ी अच्छे से मिल जाता है इन ईयरफोन्स के जरिए। साथ में यहाँ पर ट्रेबल की बात करें तो वो बोलूँगा ठीक ठाक है, बिकॉज बेस काफ़ी ज़्यादा है इन ईयरबड्स के अंदर, अप टू 100% वॉल्यूम, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डीप बेस सुनने को मिलता है इन ईयरबड्स के जरिए। और ऐसा भी नहीं बेस की वजह से बाकी सारे साउंड्स में आपको डिस्टॉर्शन वगैरह सुनने को मिले, बस ट्रेबल मतलब कि जो छनछन वाली साउंड्स हैं वो थोड़ी सी कम लगी मुझे इन ईयरफोन्स के अंदर, बाकी सारे जितने भी साउंड्स हैं काफ़ी अच्छे से सुनने को मिल जाते हैं अप टू 100% वॉल्यूम। बाकी इनका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से है, जब कानों में लगाते हैं तो बैकग्राउंड का नॉइज भी काफ़ी हद तक कट हो जाता है, जब आप कोई म्यूजिक या मूवी देख रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिलता है, साथ में सराउंड साउंड इफेक्ट भी मिल जाता है ईयरबड्स के अंदर। सो ओवरऑल यहाँ पर जो साउंड आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है, लेकिन बेस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप एक बेस लवर हैं तो ज़रूर से आपको ये ट्रू वायरलेस ईयरबड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। बाकी कॉल्स वॉल्स के लिए मैंने ट्राई करके देखा तो कॉलिंग वगैरह में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बड़े आराम से आपकी आवाज़ दूसरी तरफ पहुंच जाती है चाहे आप कितना भी धीरे बोलें। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, अगर आपको पबजी खेलना है इन ईयरबड्स के जरिए तो साउंड आउटपुट तो बढ़िया है, मैंने चेक करके देखा फुटस्टेप्स वगैरह के साउंड काफ़ी अच्छे से सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी लो लेटेंसी मोड नहीं है तो हल्का सा ऑडियो डिले रहता है। सो गेमिंग वगैरह के लिए तो मैं इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, और गेमिंग के लिए मैं वैसे भी कोई भी आपको ब्लूटूथ ईयरफोन सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं तो यही बोलूँगा वाइड ईयरफोन्स का ही इस्तेमाल करें, गेमिंग के लिए सबसे बेहतर रहते हैं। और फाइनली अब मैं बात करूँ ये 2500 रुपये के प्राइस में एक वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स रहेंगे कि नहीं, तो इसके प्राइस के हिसाब से यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, जो डिज़ाइन मिल रहा है, जो बैटरी बैकअप मिल रहा है, IPX6 वाटर असिस्टेंट सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है, टच कंट्रोल्स भी मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, कॉलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, साउंड आउटपुट भी काफ़ी बढ़िया है, बेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो म्यूजिक या फिर मूवीज या फिर कॉलिंग के लिए चाहिए तो आप ज़रूर से 2500 रुपये की प्राइस में इनको खरीद सकते हैं, मेरे तरफ से एक पिक है। ये वाला वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके जाएगा, शेयर भी कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपने इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आपका कोई और सवाल है सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर बताएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।